विचार किया है तो कहीं ना कहीं पार्टी ने ये सोचा है कि महिला भी किसी का नेतृत्व कर सकती है। दो हजार ग्यारह से मैंने भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया था। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि मेरे जैसे एक छोटे से और सामान्य कर्ता के विषय पर विचार किया और मुझे नेतृत्व करने का एक सुअवसर प्रदान किया। रणनीति सबसे पहले है कि संगठन के कार्यों को करते हुए कार्यकर्ताओं का सम्मान करना ही मेरा सबसे बड़ा टारगेट रहेगा। सम्मान बिल्कुल होता था, लेकिन जिस तरह का सम्मान होता था उसी तरह के सम्मान को बरकरार रखते हुए ही इस कार्य को करते जाना है। आपके सामने आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चुनौती है, आम चुनाव है देश में, किस तरह देखती है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको, किस तरह से एकजुट करके किस तरह से आप आगे रणनीति बनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनवरत चलता रहता है, 24 घंटे काम के ऊपर फोकस करता है, चुनाव रहे या ना रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता हमारा है वो चुनाव के दृष्टिगत नहीं, 24 घंटे काम करने के साथ साथ वो संगठन के नेतृत्व को देखते हुए हर कदम बढ़ने को आगे तैयार रहेगा। जिला अध्यक्ष जी जरूर यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनके पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इस नाते वो यहाँ पर नहीं है और वो यहाँ पर अवश्य आएंगे। जी बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन इस खुशी का जो श्रेय है मैं अपने सभी शीर्ष नेतृत्व और सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं को देना चाहती हूँ। नहीं, कार्यकर्ताओं की सुनवाई हमेशा होती थी और आगे भी इसी तरीके से होती रहेगी। विचार किया है तो कहीं ना कहीं पार्टी ने ये सोचा है कि महिला भी किसी का नेतृत्व कर सकती है। 2011 से मैंने भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया था।